नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल तिवारी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी पर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको रियल स्टेट से संबंधित या हमारी कंपनी की गेटेड टाउनशिप से संबंधित वीडियो देखने को मिलती है, तो उसी क्रम में आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार गजब की प्लॉट्स की गेटेड टाउनशिप, जो कि होने वाली है मेन टोंक हाईवे के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, मेन टोंक हाईवे के ऊपर हमारी टाउनशिप रहने वाली है। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, ये हमारी टाउनशिप है जिसका नाम रहने वाला है अयोध्या नगरी, और जैसा कि नाम है उसी थीम पे ये पूरी टाउनशिप जो है डेवलप हो रही है। जैसे आप एंट्री गेट देख सकते हैं, टाउनशिप का एंट्री गेट जो है धनुष के आकार का डेवलप हो रहा है, और उसके बाहर जो स्टेचू है वो भगवान राम का स्टेचू है, वो हम बना रहे हैं। तो पूरी जो थीम रहेगी टाउनशिप की वो अयोध्या नगरी की थीम पे डेवलप होने वाली है। टाउनशिप की चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बताऊं लोकेशन। जैसे कि आप मेरे टाउनशिप के एंट्री गेट के सामने देख सकते हैं, ये हमारा मेन टोंक हाईवे है। अगर हम इधर आगे जाएंगे तो ये जयपुर की तरफ रास्ता जा रहा है। यहाँ से शिवदास प्लाटो जो टोल प्लाजा है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये जयपुर की तरफ जा रहा है रास्ता। और अगर हम इधर जाएंगे तो ये आपका टोंक और कोटा की तरफ रास्ता जा रहा है, ये इधर पूरा टोंक और कोटा की तरफ रास्ता जा रहा है। और इसी की तरफ ये देखेंगे तो ये हमारा चाकसू की तरफ रास्ता जा रहा है, तो ये चाकसू मोड़ भी इसको कहते हैं, चाकसू बाईपास भी इसको कहते हैं। और इसी टोंक हाईवे के ऊपर ये हमारा टाउनशिप है जिसका एंट्री गेट डेवलप हो रहा है। तो टाउनशिप जो है वो JDA और RERA से अप्रूव रहने वाली है, और जब JDA और RERA से अप्रूव कोई टाउनशिप होती है तो उसके अंदर आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। उसके अलावा टाउनशिप का जो फर्स्ट पार्ट है वो 40 बीघा का आएगा, तो उसके अंदर आप मान के चलिए लगभग 300-350 प्लॉट रहने वाले हैं। मिनिमम प्लॉट साइज की मैं बात करूँ तो 111 वर्ग गज का इसके अंदर मिनिमम प्लॉट रहने वाला है, जिसका साइज 20x50 रहेगा। उसके अलावा 150-200-250-300-400 वर्ग गज तक के प्लॉट इसके अंदर रहने वाले हैं। तो अगर आप छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 111 वर्ग गज में कर सकते हैं, तो आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो लगभग 400-500 वर्ग गज तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर रोड साइज की बात करूँ मैं तो इसके अंदर मिनिमम रोड साइज जो है 30 फीट का रहने वाला है। उसके अलावा 40 फीट और 60 फीट की रोड भी इसके अंदर रहने वाले हैं। तो ये तो हुई प्लॉट्स की साइज की बात और रोड साइज की बात। उसके अलावा टाउनशिप जो है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, लेकिन अगर आप जयपुर में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इस टाउनशिप से बेटर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क करना है, हम आपको विजिट कराएंगे और आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑप्शन इसके अंदर प्लान करेंगे। लेकिन मैं आपको कह देता हूँ, जैसे ही आप वीडियो देखो तुरंत आप मुझे फ़ोन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे टाउनशिप जो है बार बार हम भी नहीं ला सकते हैं, टाउनशिप ऐसी आ भी नहीं पाती है ऐसी लोकेशंस के ऊपर। ये मेन टोंक हाईवे के ऊपर लोकेशन है, तो बहुत जल्दी जो है इसके प्लॉट्स जो है वो सोल्ड आउट भी हो जाएंगे। बहुत जल्दी ये पूरी टाउनशिप जो है वो सोल्ड आउट हो जाएगी। मेन टोंक हाईवे के ऊपर टाउनशिप है, तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। जस्ट टोंक रोड से जो भी ट्रांसपोर्ट निकलता है, यहाँ से आपकी दूरी जो है, आपकी टाउनशिप की दूरी मात्र यूँ मानो के 50 मीटर की दूरी है, तो ट्रांसपोर्ट की कोई फैसिलिटी आपको सारी मिलने वाली है। उसके अलावा मेन जो चीज़ है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस टाउनशिप के अंदर, तो जल्दी से जल्दी मुझसे संपर्क कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। बहुत ही शानदार ये इन्वेस्टमेंट आपको आपके लिए रहने वाला है। अगर आप इसको सेल करना चाहेंगे फ्यूचर में तो आप किसी भी मोमेंट पे इसको सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाउनशिप इतनी बेहतरीन लोकेशन पे है, तो बहुत ही गजब का ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए रहने वाला है। लेकिन जल्दी से जल्दी मुझसे संपर्क कीजिए तो हम आपके लिए टाउनशिप के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।